कार्यक्रम हुआ दिवाली पुतला और तिकथी और तेरा ही है फिर बार में पूछिए पूछिए बताएं। पुतला दहन का आज कार्यक्रम हुआ है, शव यात्रा निकाली गई है, शव यात्रा मिलेंगे मुख्यमंत्री हमसे मिलेंगे, पूरा सचिवालय में मधुसूदन त्रिपाठी काली सूची में डाले गए हैं, हमसे मिलेंगे मुख्यमंत्री। क्यों काली सूची में डाल दिया? विरोध का कौन और विरोध करता है बताइए, किसी का नाम सुने हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का कोई साहस करता है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ दिवाली पुतला और तिकथी और तेरा ही है फिर बार में पूछिए पूछिए बताएं। पुतला दहन का आज कार्यक्रम हुआ है, शव यात्रा निकाली गई है, शव यात्रा मंत्री का शव यात्रा निकाला गया है वकीलों के द्वारा। जी जी, आज हमारे बार एसोसिएशन गोरखपुर से माननीय अध्यक्ष और सेक्रेटरी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का अंबेडकर चौराहे पर पुतला फूका गया है, मुर्दाबाद का नारा लगा है और उसके बाद यहाँ से कुछ लोग उनकी शव यात्रा भी निकाले, उस शव यात्रा जाने के बाद वहाँ उनकी क्या कहते हैं दाह संस्कार भी हुआ। अब उसके एवज में हमारे बार एसोसिएशन में तिरही भी उनकी होगी और सारे जगह के अधिवक्ताओं को सूचित किया जाएगा। अब ये हड़ताल तब तक नहीं खत्म होगी जब तक मुख्यमंत्री हम लोगों से बात नहीं करता है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बात करेंगे आप लोगों से? लंबा समय हो गया, मंत्री नौकर है जनता का, क्यों बात नहीं करेगा? जनता का नौकर है मुख्यमंत्री, जनता से चुना गया है, जनता अगर चाहती तो बात क्यों नहीं करेंगे वो, अगर सरकार चलाना है तो। काफी लंबा समय हो गया हड़ताल को देखा जाए, उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ झुक नहीं रहे। आदित्यनाथ इसलिए नहीं झुक रहे, वो चाहते हैं मोदी जी चले जाए 24 में, इसलिए आदित्यनाथ नहीं झुक रहे हैं। वो क्यों चाहेंगे कि मोदी जी चले जाए? ओहो, प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। किसको प्रधानमंत्री बनने के? योगी चाहते हैं हम प्रधानमंत्री बन जाए जो मोदी हट जाए। तो मोदी हट जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो? अरे कौन है दूसरा योगी के इनके अलावा? तो आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के योग्य हैं? हाँ ये बिल्कुल मानते हैं, अरे हमारे जिले के हैं, क्यों नहीं मानेंगे, मानेंगे। तो वो चाहते हैं कि मतलब मोदी हट जाए हम प्रधानमंत्री? हाँ हाँ, यही राजनीति है, नहीं इसी अध्यक्षताओं को हड़ताल को इतना दिन चलाने का कोई पर्पज नहीं है, वो चाहते हैं 2024 में उनकी जो सीटें हैं सब फंसक जाए। आपको कभी बातचीत के लिए आमंत्रण मिला आपके संगठन? आमंत्रण मिला है, 8 बजे टाइम दिए हैं, मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी और DGP से बात नहीं करेंगे, अगर मुख्यमंत्री बात करता है तो मैं बात करूंगा, नहीं नहीं आऊंगा। दूरभाष पे बात हुई है? अभी बात हुई है 2 मिनट पहले। किससे बात हुई है? अभी किससे बताएं, किससे बात हुई, कहां बात हुई, कौन से हमारे लोग लगे हुए हैं? मुख्यमंत्री जी स्वतः नहीं मिलेंगे? अभी स्वतः मिलने के लिए वो राजी नहीं है, वो चाहते हैं DGP और मुख्य सचिव इस मामले को हल कर दें। आप तो व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री इसी जिले के हैं। हमसे मिलेंगे मुख्यमंत्री, हमसे मिलेंगे, पूरा सचिवालय में मधुसूदन त्रिपाठी काली सूची में डाले गए हैं, हमसे मिलेंगे मुख्यमंत्री। क्यों काली सूची में डाल दिया? विरोध का कौन और विरोध करता है बताइए, किसी का नाम सुने हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का कोई साहस करता है? आप तो TV ले घूम रहे हैं, बताइए कौन आदमी बोलता है मुख्यमंत्री के खिलाफ? सब लोग जानते हैं कि बुलडोजर चलवा देगा, मकान गिरवा देगा, हम कफन बांध लिए हैं, मेरी मकान गिर जाए लेकिन मुख्यमंत्री का गलत का विरोध मैं करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि योगी जी इन सब मांगों पे विचार करेंगे? 100% करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, सबको झुकना पड़ेगा जनता के सामने, जनता के द्वारा वो चुने गए हैं और जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता अगर आक्रोशित है तो उनको बात करना पड़ेगा। तो हम इसमें दीवानी न्यायालय के परिसर में है और देख सकते हैं अधिवक्ताओं का हुजूम यहाँ पे लगाया गया है, देखा जाए लंबे समय से अधिवक्ता जो है अपनी मांगों को लेकर अडिग है और लगातार कोर्ट का जो कार्य है वो बाधित चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। अब आगे देखा जाता है कि क्या निर्णय लेते हैं। हम इस समय कचहरी चौराहे पर और आप देख सकते हैं सामने आपसे कुछ ही देर पहले अधिवक्ताओं ने हापुड़ घटना के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे पुतला फूका है। हापुड़ की घटना के बाद से लगातार लंबे समय से वकील आंदोलन कर रहे हैं और वकीलों का साफ कहना है जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती है तब तक वो हड़ताल जारी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहीं पे वो कचहरी चौराहा है जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन अधिवक्ताओं ने किया, सामने दीवानी न्यायालय है, कुछ अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद है, कुछ अंदर चले गए हैं। तो कहीं कहीं देखा जाए हापुड़ की घटना के बाद से अधिवक्ता बंधुओं में काफी समय स्ट्राइक चल रही है, न्यायिक कार्य स्थगित है, लेकिन अधिवक्ता अपनी मांग पे अडिग है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी देखा जाए तो
कहीं किसी तरह से झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपसी लड़ाई में अधिवक्ता और पुलिस प्रशासन और शासन की लड़ाई में कहीं ना कहीं देखा जाए आम जनता का भी काफी नुकसान हो रहा है। आए दिन कचहरी लोग आ रहे हैं लेकिन कोई कार्य हो नहीं रहा है। हम इस समय दीवानी न्यायालय में है और देख सकते हैं अभी कुछ ही देर पहले जो है हापुड़ की घटना के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला यहाँ पर दहन किया गया, उसके बाद जो है सरकार विरोधी नारे लगाए गए। तो लंबे समय से देखा जाए लगभग 10-12-13 दिन हो गए कचहरी लगातार जो है स्ट्राइक पे है और कोई कार्य नहीं हो रहा है। वकील बंधुओं का साफ कहना है कि अगर इस तरह की घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका संज्ञान नहीं लेते हैं तो लंबे समय तक न्याय कार्य स्थगित रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम कचहरी दीवानी न्यायालय के परिसर में आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से अधिवक्ताओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। एक अधिवक्ता बंधु यहाँ पे मौजूद है, किस प्रकार का कार्य आज हुआ है? जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार का टिट्ठी निकाल करके पुतला फूका गया है इस तानाशाही सरकार का। जो ये सरकार लगातार 15 दिन से अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ काम कर रही है। जो हापुड़ में घटना घटी, बर्बरतापूर्वक पुलिसिया लाठीचार्ज का हुआ और बहुत तरह से महिला अधिवक्ताओं को पीटा गया, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पीटा गया, मारा गया, और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ना उनका ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ना उनकी बर्खास्तगी कर रहे हैं। एक छोटी सी मांग है लेकिन उसको उन्होंने ऐसा लग रहा है कि वो अपने नाक की लड़ाई मान लिए हैं और पुलिस के दम पर यह जो तानाशाही सरकार अपना काम कर रही है इसके विरोध में लगातार अधिवक्ता बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के निर्देश पर विरोध में है और हड़ताल पे हैं। आज हड़ताल का 15वां दिन है। आप देख भी सकते हैं कि पूरे कचहरी में ना ही कोई अदालत चल रही है, ना ही कहीं कोई रजिस्ट्री हो रही है, ना ही कहीं कोई काम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हड़ताल चल रही है और यह हड़ताल उस दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम अधिवक्ताओं की मांग मान लेंगे और पुलिस जो प्रशासन वाहन पर जो बर्बरतापूर्वक एक पक्षी कार्रवाई किया था अधिवक्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज करने का, उन सबको या तो बर्खास्त कर देंगे या तो उनका ट्रांसफर कर देंगे, उस दिन यह हड़ताल वापस ले ली जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना? बस हमें ये कहना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें जल्द से जल्द। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वह हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को माने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराए हमारी जल्द से जल्द। आइए हम अंदर लिए चलते हैं दीवानी न्यायालय परिसर में और दीवानी कचहरी परिसर में और यहाँ पे देखेंगे कुछ अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे। अब देख सकते हैं किस तरह की घटना, यहाँ पे एक अधिवक्ता बंधु है जो काला पट्टी बांध के विरोध करें आज की घटना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। हम लोग हड़ताल पर हैं, सरकार सुन नहीं रही है पिछले 14 दिनों से हापुड़ घटना को लेके। हापुड़ की घटना को सरकार लगातार सुन नहीं रही, इस पे क्या कहना चाहिए? सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। आइए कुछ अन्य अधिवक्ता है अंदर, उनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। अंदर आ गए तो हम होंगे। बार काउंसिल गोरखपुर के महामंत्री यहाँ पे मौजूद है, किस प्रकार की कार्रवाई हुई है देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन? देखिए, प्रदेश सरकार ने जिस तरह से लगातार अधिवक्ताओं के आंदोलन को हल्के में ले रही है, कोई हमारी मांगे इन्होंने अभी तक मांगा नहीं है। जो भी मांग मानी गई, एक FIR दर्ज हुआ, वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ और उसके बाद सरकार अभी तक बिल्कुल अपनी जगह पर रिजिड हो गई है। वह पूरी तरह से एक पक्षी कार्रवाई पर लगी हुई है। उसका कहना है कि हम जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको वहाँ से हटाएंगे नहीं और जो अधिवक्ता के खिलाफ FIR आंदोलन के दौरान दर्ज किया गया उसको किसी भी FIR को अभी तक हमारी मांग के अनुसार उन्होंने स्पंज नहीं किया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में तो कहीं कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यह सारी परिस्थितियां सरकार ने बनाया, सरकार ने अधिवक्ता जो दूसरे के लिए लड़ाई लड़ता है उसको इस तरह से विवश कर दिया कि वह सड़कों पर बार बार उतरने को विवश हो गया, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वह बाध्य हो गया और जो न्यायालय है माननीय न्यायालय में भी कामकाज अधिवक्ता ने हड़ताल किया, वह कामकाज ठप हुआ। यह पूरी तरह से सरकार की विफलता है। सरकार ने जिस तरह से अड़ियल अपना रवैया अपनाया हुआ है वह चाहते हैं, लोकतंत्र है, आपको बात करना चाहिए, वार्ता से ही समाधान निकलता है। आप दूसरे जगहों पर जाकर के बड़े बड़े भाषण दे रहे हो लेकिन अपने ही राज्य में आपके वकील आंदोलित हैं, लाखों की संख्या में वकील सड़कों पर उतर करके अपने मांग के लिए, जायज मांग जो है उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाई दे रहा है कि कौन मार रहा है उनको हटाने की बात की जा रही है।
उसको भी नहीं है सरकार हटा रही है, तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता के पास अब आर पार की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। और इसी कड़ी में जैसा कि हमारी बार काउंसिल ने भी इस पूरे मामले को लीड कर रही है, बार काउंसिल का जो भी डायरेक्शन आता है, बार एसोसिएशन पूरे प्रदेश के उसके साथ एकजुट है, अक्षरशः उनके निर्देशों का पालन करते हुए आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार का जनता के सामने पुतला दहन कर दिया है और उनको ये बताया है कि यह सारी जो भी लड़ाई हो रही है, जो अधिवक्ता आंदोलित हुआ है, जो न्यायालय का कामकाज बाधित हुआ है, जो वकील सड़कों पर संघर्ष करने को लगातार 15 दिन से बाध्य है, इसकी जिम्मेदार यह हठधर्मिता वाली सरकार है, यह पूरी इसी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री चाहते तो यह मामला हल हो सकता था, लेकिन वह किस वजह से बात नहीं कर रहे हैं, उनका कोई स्टेटमेंट तक नहीं अभी तक आया कि इस बारे में हम वकीलों के लिए क्या सोच रहे हैं। वकील उनसे केवल इतना ही मांग रहा था कि आपके संकट में जब वकील खड़ा होकर के आपकी मदद किया, तो अगर आज वकील पर संकट आया है, आप ही की सरकार की पुलिस ने लाठी चलाया, तो आज वकील की मदद आपको करना चाहिए था, निष्पक्ष न्याय करना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री वह भी काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए यह आक्रोश आज आपको दिखा है, जो सड़कों पर हर हर जिले में यह आपको दिखाई दिया है। अभी तो आप यहाँ कवरेज कर रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए सारे जिलों में, पूरे प्रदेश के जिलों से हम लोगों के पास खबर आ रही है, हर जगह अधिवक्ता इसी तरह आंदोलित होकर के पिछले 15 दिन से संघर्ष कर रहा है। आइए कुछ और अधिवक्ता हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे जो है